पुलिस ने रीवा में 5.25 लाख रुपए का 52 किलो गांजा जब्त किया है। उड़ीसा से एमपी के रास्ते प्रयागराज जा रहा था नशीला पदार्थ। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने सभी एसडीएम की बैठक ली, कहा कि संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से पालन कराएं। मऊगंज से रीवा दवा खरीदने आए युवक पर चाकू मारकर लूटे चार पहिया वाहन, दो साथी बदमाश गिरफ्तार। सतना शहर के कोलगावा थाना अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के पास हुए एक हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। उसका शव पानी की टंकी के अंदर पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैहर जिले के पहली कलेक्टर होंगी रानी बाटड़। लोकायुक्त टीम ने सतना जिले में दूसरी कार्रवाई की है। इस बार मैहर जनपद पंचायत में ग्रामीण यांत्रिका विभाग का एसडीओ 20,000 रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। रीवा जिले में लग्जरी कार के अंदर नशीली कप सिरप की खेप मिली है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले के मुताबिक गुरुवार को राज्य के 2 नए जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इनके नाम है मैहर और पंडुणा। रीवा जिले में मतदाताओं की संख्या पहुंची 18 लाख। हजार पुरुष मतदाताओं में महिलाओं का अनुपात 914 है। चौथर विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 2,05,776 है। वन विभाग को छकाते हुए पिछले कई दिनों से सतना शहर में धमाचौकड़ी मचा रहे तेंदुए ने गुरुवार को एक बछड़े का शिकार कर लिया। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।